भिवानी की नई अनाज मंडी में आज से शुरू होने वाली खरीद को लेकर किसानों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध प्रशासन द्वारा किए गए हैं। आपको बता दें कि आज से हरियाणा सरकार ने सभी मंडियों में अनाज की खरीद शुरू करने की योजना बनाई है। इसी कड़ी में प्रशासन ने भी अनाज मंडी के अलावा और भी कई बड़े गाँवों में खरीद के केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ से उनके नजदीक के किसानों से वहीं पर अपनी फसल की खरीद की जा सके। किसानों का कहना है कि हमें यहाँ कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, हमें उचित मूल्य सरकार दे रही है, कोरोना का हमारे किसानों पर कोई खास असर नहीं हुआ है। खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। आपको बता दें कि अनाज मंडी में खरीद का जायजा लेने भिवानी डीसी अजय कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने सभी कर्मचारियों से बात की और मीडिया से कहा कि प्रशासन खरीद के लिए तैयार है और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही खरीद की जाएगी। हमारे पास थर्मल स्कैनर आदि सब तैयार है, हर आने वाले किसानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। एजेंसी व सोसाइटी के माध्यम से सुबह 25 किसानों व शाम को 25 किसानों को खरीद की जाएगी और कल से यह 50-50 कर दी जाएगी। हाँ जी, 3 महीने पहले ऑनलाइन करवाई थी सरसों की, रात को इनका फोन गया, इसलिए आज सरसों की फसल लेके आए हैं और लॉकडाउन में पहले से ज़्यादा अच्छा है, प्रशासन का भी सहयोग है और कमेटी है उसका भी और अर्थ। तो आज अनाज मंडी में लेके आए हो, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं? जी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम बढ़िया प्रोग्राम है और लोगों को सरकार की अनुसार पालन करना चाहिए, लॉकडाउन में जो दिशा निर्देश सरकार ने दिए उनका पालन करें। सर आज से सरसों की खरीद शुरू है, क्या क्या प्रबंध किए गए ताकि किसानों को परेशानी ना आए? सरसों की खरीद जो है हमारे ज़िले के जो जितने हमने मंडियां पर जो सेंटर बने हैं उसमें शुरू हो चुकी है और 25-25 किसान जो हैं 25 सुबह 25 शाम को 2 स्लॉट में लेके आएंगे और बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पूरा ख्याल रखा जाएगा और जो गेट पे आने वालों को सैनिटाइज उनके हैंड सैनिटाइज कराए जाएंगे और साथ में मास्क भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं किसानों के लिए उन सभी का प्रबंध किया गया है, पानी का उसमें प्रबंध है एंड बाकी जो सरसों लेके आ रहे हैं उसमें जो भी सभी खरीद एजेंसियां हैं वो अपना कार्य इसमें सुचारू तरीके से कर रही हैं। सर मजदूरों की काफ़ी समस्या आने की, अब मजदूरों की जो समस्या से निपटने के लिए हमने इसमें ग्राम पंचायतों को रोपिन किया है और पंचायतों की तरफ से भी इसमें सहयोग दिया जा रहा है। इनफैक्ट हमारे कुछ जो परचेज सेंटर्स हैं लगभग 8 के करीब परचेज सेंटर्स हमारी ग्राम पंचायतें ही उसमें चला रही हैं तो, और बाकी जो परचेज सेंटर हैं वहाँ भी उनका पूरा सहयोग है जो गांव में हमारे बने हैं और अपनी तरफ से जो नरेगा के मजदूर हैं या गांव के और इच्छुक लोग हैं जो ये कार्य करना चाहते हैं वो भी इसमें आगे आ रहे हैं। सर एक समस्या है कि जो उसमें क्या इशू है, जो कि शुरू ही नहीं हुए सर, ना बताई जा रही कि कब होगा। अच्छा गाँव में कुछ इशू है आपका? जो का ही है सर, क्योंकि अभी प्राइवेट प्रोक्योरमेंट को बंद किया गया। जी सर, जो की समस्या उसके बारे में क्या समाधान किया? जो का भी जैसे बताया इन्होंने कि हमारी सेक्रेटरी बता रहे हैं कि इसमें प्राइवेट परचेज अभी शुरू नहीं है, गवर्नमेंट की परचेज है, मस्टर्ड की है वो आज से शुरू हुई है और ये थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.